देखिए स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग का आंसर आया कुछ लोग का नहीं आया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं फिर से। देखिए कह रहे हैं ना, द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितना दिया हुआ है, 70,000। पहले एकदम बेसिक से बताते हैं, पहले हम लोग मेथड क्या रखते हैं, बेसिक, ठीक, कंप्लीट बेसिक बताएंगे, फिर और भी तरीके बताएंगे आपको। द नंबर ऑफ मेल इज इंक्रीज बाई 6% एंड दैट ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाई 4%, ठीक। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द टाउन वुड बी, फिर कितना हो गया, 3520 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना मेल को ले लेते हैं एक्स, फीमेल कितनी हो जाएंगी, तो आप लोग बोलिएगा 70,000 माइनस एक्स, ठीक, एकदम कंप्लीट बेसिक, ठीक। जैसे स्कूल में हमें मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, तो मेल को ले लिया एक्स, तो फीमेल कितनी, 70,000 माइनस एक्स, तो मेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 6%। तो 6% तो 6/100 ऑफ एक्स, प्लस फीमेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 4%, तो 4/100 ऑफ 70,000 माइनस एक्स, और यही मिलकर टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो देखिए ना 73520 हो गया, था कितना, तो 70,000 था, तो बढ़ा कितना, तो बढ़ेगा कितना, 3520, तो इंक्रीज हुआ वैल्यू वो कितना, 3520 ही, तो 3520। एलिगेशन भी लगाएंगे, परेशान नहीं होना, पहले इसको समझिए, एकदम बेसिक तरीका है। तो यहाँ से हम लोग कितना ले सकते हैं, 6x प्लस का 4 × ये 4 × 7, 7 × 28, और 28 पे तो 1 0 है ही ऑलरेडी, और इधर से 3 0 और आ गया, अब माइनस का कितना, 4x, ये 100 को इधर हमने भेज दिया, 100 को कहाँ भेज दिया हमने, इधर 3520 और 2 0 और रख दीजिए। कंप्यूटर जी थोड़ा सा स्क्रीन को इधर ले चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 और हमने कर दिया, यहाँ पे देखिए पहले से इतना था और 2 0 इधर का आ गया, तो यहाँ पे 2 0 और हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 6x माइनस का 4x कितना हो गया, 2x, 2x, और ये उधर जाके माइनस हो गया, तो ये कितना है, 3520, 1 2 3 0 और 2 8 0, और फिर 1 2 3 0, तो पहले तो ये 3 0 एज इट इज आ गया, 2 आ गया, और इधर कितना आ गया, 7 हो जाएगा, 72, तो 2x का वैल्यू कितना आ गया, 7 2 1 2 3, एक्स का वैल्यू 36, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 36, क्लियर है, एक्स का वैल्यू 36 आ गया। तो 70 में से माइनस कर देंगे, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, ये तो आपका मेल आ गया, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, तो 3 4 1 2 3, 34 हो जाएगा, 6 4 10 3 3 6 7, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2000, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2000। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2000, क्लियर है, ठीक। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो मैं एक ट्रेडिशनल और बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, जो कि आपको शायद बहुत कम जगह मिलेगा, कभी भी ऐसा फंस जाए आप, एलिगेशन नहीं लगा पाएँ, या कुछ वैल्यू जैसा हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो बेसिक से ही करेंगे, लेकिन बेसिक को कुछ सुनहरे अंदाज से हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका एक और देखते हैं बेसिक, फिर बेसिक में कुछ अंदाज नया देखेंगे हम लोग। पहले इसको इरेज कर दें, कंप्यूटर जी अच्छे से इरेज कर दीजिए, कहीं भी आपका ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये SICI हर जगह अप्लाई होगा, जहाँ भी दो चीज़ें होंगी वहाँ ये अप्लाई होगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं ना, हम लोग ना मेल को एक्स नहीं लेते हैं, हम लोग मेल को एक्स नहीं लेते हैं, मेल को एक्स के बजाय 100x ले लेते हैं क्योंकि परसेंटेज है, और फीमेल को 100y ले लेते हैं क्योंकि परसेंटेज है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 100x प्लस का 100y मिल के कितना हो गया, 70,000, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सही है। अब देखिए यहाँ पे मेल में इंक्रीज कितना हुआ, 6% का, तो 6x का इंक्रीमेंट हुआ, और फीमेल में कितना, 4y का इंक्रीमेंट हुआ, और यही इंक्रीमेंट कितना हो गया, 3520 का, क्लियर। अब कुछ नहीं करना, यहीं पे लिखना और यहीं काटना है, देखिए कैसे काटेंगे, आज आराम से काट सकते हैं। तो 2 0 इधर से कट गया, 2 0 इधर से कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया। अब देखिए 6 लाना है, तो यहाँ भी 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 आ जाएगा, तो 6 इधर भी लिख दीजिए, 6 इधर भी लिख दीजिए, 7 6 42, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे लिख दीजिए 4200, ठीक। तो यहाँ माइनस कर दीजिए, अब तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6y माइनस का 4y, 2y, 4 से भी गुना कर सकते थे तो उसको एलिमिनेट कर देते, 2y बराबर, ये माइनस कीजिए तो 0, और ये कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, क्लियर है। और यहाँ पे कितना हो गया 6, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 340, y का वैल्यू 340 हो गया, तो 100y कितना हो गया, तो 3 4 1 और 2 0 इधर लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 36। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस आप लोग बोलिएगा 2000, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2000, और 2000 इज द राइट आंसर। ये देखिए CPO का क्वेश्चन था,
2000 इज द राइट आंसर। क्या ये मेथड टू आपको समझ आ गया? अब देखिए हम लोग एलिगेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में, और एलिगेशन क्यों लगाते हैं मैं वो रीजन भी आप लोगों को बताऊंगा। पुराने में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले भी, और आज फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि एलिगेशन क्यों लगाते हैं। ये उम्मीद करते समझ आ गया होगा, नहीं समझ आता तो एक बार आप लोग फिर से पॉज करके देख सकते हैं। देखिए जहाँ भी ए बी के बिना अधूरा और बी ए के बिना अधूरा दोनों मिलकर सी का निर्माण करते हैं तो वही एलिगेशन लगता है। जैसे आपके बिना वो अधूरे और उनके बिना आप अधूरे और मिलके हो गए पूरे पूरे, तो वहाँ एलिगेशन लगेगा। तो पॉपुलेशन में मेल फीमेल के बिना अधूरा और फीमेल मेल के बिना अधूरा, तो दोनों मिलके हो गया पूरे, तो यहाँ क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा। क्लियर है? तो आप देखिए एलिगेशन दो तरीके से लगता है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। एक तो परसेंटेज के बेसिस पे लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ मेल में इंक्रीमेंट 6%, यहाँ फीमेल में इंक्रीमेंट 4%, ये टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा। तो पहले इससे लगाते हैं, फिर दूसरा तरीका भी देखेंगे एलिगेशन लगाने का हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना इंक्रीमेंट जो हुआ है, पहले यहाँ से कंप्यूटर जी इसको हटा दीजिए, इंक्रीमेंट हुआ है वो अलग से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इंक्रीमेंट हुआ कितना है? तो इंक्रीमेंट हुआ है 3520 का, कितने पर? 70,000 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये कटेगा नहीं कटेगा। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है? तो 352/70% का। ठीक, अब इधर मल्टी आप लोग क्या कर लीजिए, इधर से ये कर ली माइनस कर लीजिए, तो या तो 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे का 70 खत्म हो जाएगा, तो 7×42, 70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 7×42 420 हो जाएगा ये वैल्यू, और इधर 70 से कीजिएगा तो 280 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 70 से क्यों मल्टीप्लाई किया, नहीं तो फिर एलसीएम हमने लिया ना, और एलसीएम लेकर हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए माइनस कीजिए, 3420 - 352, ये 8 और 68 हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। हमने देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 70 से हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि नीचे 70 आ रहा है बेस में, इसको माइनस कर दीजिए, 352 - 280, तो ये 2 और ये 7, 72, तो ये कोई दिक्कत किसी को बताइए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 72 आ गया और ये कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे कितना, 36। कंप्यूटर जी कहाँ चले गए, इसका आधा कर दीजिए 36, इसका आधा कर दीजिए 34, ये दोनों मिलकर 70 हो गया, दोनों मिलकर 70 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 36 पे 3 जीरो, और ये वैल्यू कितना हो गया, 34 पे 3 जीरो, और इन दोनों का डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया, 2000। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ गया, 2000। क्लियर है? एलिगेशन देखिए और भी तरीके से लगेंगे, एलिगेशन के अलावा और भी तरीके में बताऊंगा जो उससे भी बेस्ट है, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, तो हम सिर्फ ये देखते हैं ना कितना चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुआ। एक तो हमने रेशियो पे लगाया, जो आपको क्या बोलते हैं रेट पे लगाया, जो भी रेट का चेंज हुआ, अब एक डायरेक्ट वैल्यू पे लगाते कितना चेंज हुआ। तो बोलिएगा 70,000 अगर पूरा का पूरा मेल होते तो मेल में कितना का इंक्रीमेंट होता, 6% का, तो 70,000 का 6%, परसेंटेज पे 2 जीरो खेद, 7×42, तो कितना का चेंज हो जाएगा, 4200 का। फीमेल में 4%, तो 7×28, 2800 का, और टोटल चेंज कितना हुआ, तो 3520। ये यहाँ से रेशियो ले लीजिए और यहाँ से काटिए तो कितना हो गया, 720, और इसको काटिए 680, वापस से वही चीज़ हो गया, 36 और 34 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए कितना जीरो है 36 के बाद, तो 1 2 3 जीरो इधर लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो इधर लगा दीजिए, तो ये 36,000 हो गया, ये 34,000 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस आपका हो गया 2000। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, बहुत सुनहरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए ना आपके घर में गेस्ट आते हैं, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई अंबानी परिवार से तो आता नहीं है। ठीक है, तो सपोज दैट आपके घर में गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आते हैं ना, तो जैसे आप हैं, कुछ भी ले लीजिए, ए और इनकी सिस्टर छोटी बहन, होता है ना, तो क्या होता है ना कि जैसे गेस्ट आए तो गेस्ट क्या सोचता है, अच्छा 100 रुपया इनको देंगे, 100 रुपया इनको देंगे, 200 रुपया देना पड़ जाएगा, तो फिर गेस्ट क्या सोचता है कि चलो 100 रुपया इसको ही दे दो, 100 रुपया किसको दे दो, इसको दे दो, बोलना लो तो आपस में मिठाई खा लेना, दोनों मिल बांट के क्या कर लेना, मिठाई खा लेना। तो बताइए जिसको हाथ में पैसा मिला उसको ज़्यादा मिलता है, छोटे वाले क्या देते हैं, कम देते, नहीं हमको तो इतना ही मिला ही, हम क्या करें, बेईमानी तो होती ही है, समझ रहा, वो 50-50 में थोड़ी बटेगा, वो तो बेईमानी तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना ये जो मेल था इसको मिला कितना, 6%, और फीमेल को मिला कितना,
4%। तो फिर ये जो है ना, फिर फैसला करना, फिर ये जो छोटे बच्चे होंगे घर में वो रोएंगे, तो फैसला करने कौन आएगी? मम्मी आएगी फैसला करने। मम्मी आएगी फैसला करने, मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी भी बहुत तेज होती हैं, ये कहेगी नहीं 6 है, अच्छा है तुमको 4 ही मिला तो 4 तुमको भी मिले, जो एक्स्ट्रा है वो हमको दे दो। तो एक्स्ट्रा कौन कौन रख लेगी? मम्मी खुद रख लेगी एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी जो 6 था वो कितना हो जाएगा? तो 6 आपका 4 ही % हो जाएगा, और प्लस का एक्स्ट्रा कहाँ चला गया? 2% मम्मी के पास। तो 4 इनको भी मिला, 4 इनको भी मिला। यहाँ से कंप्यूटर जी थोड़ा सा 4 को नीचे कर दीजिए। तो देखिए 4 इनको भी मिला, 4 इनको भी मिला, तो टोटल पॉपुलेशन में तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ ही। तो 4% ऑफ 70,000 कितना हो जाएगा? 28, और 2 0 2800 हो जाएगा। पर एक्चुअल में बढ़ा कितना है? तो एक्चुअल में 73 नहीं, 3520। एक्चुअल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 3520 का हुआ है। तो कितना ज़्यादा हुआ है? तो बोलिएगा 720 ज़्यादा हुआ है। 720 ज़्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि 2% ये मम्मी के पास रह गया, और यही 2% किसके बराबर होगा? 720 के बराबर। 2% किसके बराबर? 720 के बराबर। तो 1% किसके बराबर? 360 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% हो जाएगा 360, 100, 336,000। क्लियर है? तो ये मेल निकल गया 36,000, तो फीमेल कितना हो जाएगा? 34,000। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2,000। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2,000। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए इसका इन्वर्स भी देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसका इन्वर्स भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, ऐसा हो सकता है ना कि ये, यहाँ जो छोटी वाली बहन थी आपकी, ये ये करे कि नहीं हमको भी 6 चाहिए, 6 इधर मिला है तो 6 हमको भी चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो अपने होता है ना, सुबह बच्चा रो रहा है तो दे दिए, फिर शाम को छीन लेंगे पैसा, तो यही करना पड़ेगा। तो 6 इनको भी दे दिए, तो 6 तो इनको भी दे दिए, और फिर शाम को कितना छीनना पड़ेगा? तो 2% क्या करना पड़ेगा? छीन लेना पड़ेगा। तो पूरा पॉपुलेशन में 6% इंक्रीज हो गया। तो 70,000 का 6% कितना हो गया? 7 6 42, 4200 इंक्रीज हो गया। पर एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 3520। कितना कम हुआ इंक्रीमेंट? कितना इंक्रीमेंट कम हुआ? तो बोलिएगा 680 का कम हुआ। तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 680। तो 1% माइनस आई, इसलिए तो कम है। 1% का वैल्यू कितना? 340। और 100% का वैल्यू कितना हो गया? 34,000। ये 34,000 क्या आ गया? फीमेल। और मेल कितना? 36,000। दोनों का डिफरेंस कितना? ज़्यादा 1 0 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना? तो डिफरेंस बोलिएगा 2,000। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सीपीओ का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सब लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।